सिमी की एक बार फिर से देश में चर्चा है। भोपाल में जेल से फरार होने के बाद आठों आतंकियों का एनकाउंटर हो जाता है, जिसे लेकर एक बार फिर सिमी की चर्चा शुरू हो जाती है। देश में इससे पहले कई आतंकी वारदातों में इस संगठन के लोगों का हाथ होने की बात सामने आई है। साथ ही ये संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और पड़ोसी मुल्क स्थित आतंकवादी समूहों के इशारों पर काम करता है और उनके लिए लड़ाकों की सप्लाई करता है। सिमी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का प्रमुख सबब बना हुआ है। ये संगठन देश में कई आतंकी हमलों में शामिल आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों मसलन अलश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद को लड़ाकों की सप्लाई करता रहा है। सिमी ने आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसे पूरा करने की खातिर युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए नेटवर्क बनाया है। कई बार ऐसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से साठगांठ के साथ किया गया है, जो भारत के खिलाफ हिंसा का निर्देश देती है। कट्टरपंथी छात्रों के संगठन सिमी का गठन 1977 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। पुलिस जांचों में खुलासा हुआ था कि 2001 में पुणे और कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों और स्वतंत्रता दिवस पर साबरमती एक्सप्रेस में हुए बम धमाके में सिमी के लोगों का हाथ था। जांच एजेंसियों के अनुसार सिमी का नेटवर्क देश के लगभग 16 राज्यों में फैला है और इसके लगभग 2000 एक्टिव मेंबर हैं। आरोप है कि इन्हें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से हथियार और फंड की सप्लाई होती रही है। ऐसे में भोपाल में मारे गए आतंकवादियों पर सियासत करना कितना जायज है, ये सियासतदानों से जरूर पूछना चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।